हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो जैन धर्म है। तो जैन धर्म और इसके बाद इसी टॉपिक में बौद्ध और जैन धर्म, ये दो धर्मों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अभी हम लोग जैन धर्म पर सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर बौद्ध धर्म पर आएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म से जितने तरह के सवाल हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उन सारे तीर्थंकरों को देखेंगे, उनसे संबंधित जो उनके प्रतीक चिन्ह थे उनसे सवाल बनते हैं, उन सभी को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे हमारे, जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनके जीवन से संबंधित जितने प्रकार के तथ्य और जितने तरह से सवाल बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी सवालों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम सारे तथ्यों को देखेंगे और इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग MCQs इससे रिलेटेड रिवाइज करेंगे। इससे रिवीजन भी हो जाएगा तथा और उसके साथ ही आप इसको याद भी हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और हमारा MCQs का प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर, शुरुआत करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, इसके संस्थापक की बात किया जाए या फिर प्रथम तीर्थंकर, इसके संस्थापक पूछे या फिर प्रथम तीर्थंकर, तो ये हमारे ऋषभदेव, मतलब ये ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थंकर भी थे और ये संस्थापक भी थे। इसके बाद 23वें और 24वें तीर्थंकर दो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। 23वें तीर्थंकर थे जो ये पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, और इसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर के रूप में जो पार्श्वनाथ है, इसका संवेद शिखर जो है यहाँ झारखंड में यहाँ पे स्थित है, इनका निर्वाण यहीं की निर्वाण यहीं पे हुआ था। मृत्यु निर्वाण तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है, निर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य है, पर यहाँ पे पार्श्वनाथ है, इनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पे समय से होगा। चलिए महावीर स्वामी को देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये ईसा पूर्व समय डेट याद होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप इसको नहीं भी याद कर सकते। आप ये कुंडल ग्राम जो स्थान है वैशाली में, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको एक नंबर पर आप रख सकते हैं, इसको दो नंबर पर, प्राथमिकता आपको कुंडल ग्राम को देनी है। ठीक है, वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। मृत्यु 468 BC में 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। 72 वर्ष की उम्र में, अच्छा ये मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जन्म कुंडल ग्राम में और मृत्यु पावापुरी में। माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा, बचपन का नाम था वर्धमान। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। आगे चलते हैं, अपने बड़े भाई नंदी वर्धन, अगर क्वेश्चन आपको टफ बनाना हो तो पूछ सकते हैं किसकी आज्ञा से संन्यास जीवन धारण किया था, तो नंदी वर्धन अपने बड़े भाई के आज्ञा लेकर, मतलब उससे आज्ञा लेकर के इन्होंने संन्यास को अपनाया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऋजुपालिका जो तट है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका पे, यानी कि 12 वर्षों तक इन्होंने ध्यान किया था। ठीक है, अच्छा ये किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे जीन कहा गया है। जीन मतलब ये विजेता कहलाए, यानी कि इन ये सभी चीज़ों पे जो भी इंसान में बुराइयां होती हैं, लोभ मोह माया और काम क्रोध, इन सभी पर विजय प्राप्त किए थे जीन, विजय प्राप्त किए, तो ये जीन कहलाए महावीर। अरहत कहलाए, यानी कि पूजनीय कहलाए, जो जिनमें किसी तरह का पाप नहीं होता तो ऑब्वियसली वो पूजनीय हो जाते हैं, तो ये अरहत कहलाए यानी पूजनीय कहलाए। निर्ग्रंथ कहलाए यानी बंधनहीन, बंधन रहित, मतलब कोई भी रिश्ते नातों से ये बंधन मुक्त थे, इस तरह की चीज़ें थी, यानी कि इनको किसी से मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये किसी के प्रभाव में नहीं आते थे, आप इनको गुस्सा नहीं दिला सकते ना इनके इन पर आप किसी बाहरी चीज़ों का इनके इन पर प्रभाव पड़ता था, तो ये होते थे बंधनहीन हो गए। ठीक है, उपदेश की भाषा एकदम ये महत्वपूर्ण है, आप उपदेश की भाषा बार बार सवाल में आते हैं, अर्धमग्धी थी, प्राकृतिक थी,
प्रथम अनुयायी की बात करें तो जामिल इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो दामाद थे इनका, जामिल नाम था, यही इनके प्रथम अनुयायी बने थे। त्रिरत्न यहाँ पे आपके मिल जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है मध्यम, ठीक है, बहुत न ज़्यादा और न ही बहुत कम। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण इनका त्रिरत्न कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पंच महाव्रत था, इसमें से पंच महाव्रत था, यानी कि आप जैन धर्म के, अगर आप जैन धर्म को पाल अनुसरण करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, तो ये आपको पंच महाव्रत धारण करना होगा, यानी कि इस तरह से कार्य आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ है, जैसे अहिंसा, आपको बिल्कुल अहिंसा नहीं करनी पड़ेगी, मांसाहार आपको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, सत्य वचन आपको हमेशा सच बोलना है, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी कि घर का त्याग करना है, एवं ब्रह्मचर्य आपको ब्रह्मचर्य रहना है, यानी कि विवाह वगैरह नहीं करना पड़ता है, आप कर नहीं सकते विवाह। तो ये थे आपके पंच महाव्रत। तो सम्यक दर्शन ये बहुत बार पूछा जाता है, त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है, त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। प्रथम अनुयायी की बात किया जाए तो जामिल थे, आप इस चीज़ को याद करते जाइए। चार महाव्रत थे, तो चार महाव्रत में आपके अन्न, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ये चार थे, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान इस टाइप से कहा जाता था। तो शिक्षा इसमें थे, अन्न थे, चिकित्सा और आवास थे। अब आते हैं हम लोग जैन तीर्थंकर और उनके चिन्ह। अच्छा, क्रम है यहाँ पे आपका, ये क्रम लिखा हुआ है, किस क्रम में थे और इनका प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह क्या था। तो तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर तो हमारा ऋषभदेव, जो पहले क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक तथा इसके प्रथम तीर्थंकर, ये दोनों थे ऋषभदेव। इनका जो क्रम था ये पहला थे, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है आपको याद रखना है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ की बात किया जाए तो अजितनाथ द्वितीय थे, दूसरे यानी तीर्थंकर थे अजितनाथ, इसका चिन्ह था हाथी, अजितनाथ हाथी, अजितनाथ हाथी, थ लास्ट में आ रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक्स, थ नाथ हाथी। ऋषभदेव का सांड। अरिष्टनेमी का बात किया जाए तो ये 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इसका जो चिन्ह था शंख था। पार्श्वनाथ की बात किया जाए तो ये 23वें थे और उसका सर्प था, और महावीर का सिंह। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आप एकदम ध्यान में रखें, इनको ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। कृष्ण का निकट संबंधी भी बताया गया है। जैन संगतियों की बात किया जाए, यानी कि संगतियाँ होती थी, संगतियाँ यानी एक तरह से सम्मेलन होते थे। तो पहली संगति थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में रखी गई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो पहली संगति कहाँ हुई थी, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय हुई थी 512 में वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय, दूसरी की बात किया जाए तो 512 वर्ष में ईस्वी जो थी, ये ईस्वी थी 512 ईस्वी, तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष में मगध में अकाल पड़ा था, 300 ईसा पूर्व के समय में। अब देखिए यहाँ पे ये चल नहीं रही थी, इसके बाद यहाँ पे 300 ईसा पूर्व की बात करें तो यहाँ पे इस समय तक महावीर का मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, महावीर की मृत्यु हो चुकी थी और ये संगतियाँ हुई थी 300 ईसा पूर्व में, इसी के समय संगति हुई थी। और इसमें इस समय क्या हुआ था, 12 वर्ष का यहाँ पे अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। अब चूंकि अकाल पड़ गया तो स्थूलभद्र, स्थूल मतलब रुकना, स्थल से समझ सकते हैं, स्थूल मतलब एक ही जगह पे रहना, उसे हिंट करते थे। स्थूलभद्र जो थे, ये जो अनुयायी थे इसके अनुयायी प्लस या फिर और स्थूलभद्र स्वयं, जबकि ये स्वयं ही थे और इसके शिष्य जो थे वो यहीं पे रह गए थे, मगध में ही रह गए, ठीक है, तो ये इसके शिष्य यहीं पे मगध में रह गए, तो ये कहलाए श्वेतांबर। और भद्रबाहु नाम से थोड़ा सा आपको याद रख लेना, तो ये दिगंबर के बन गए, ठीक है, और श्वेतांबर का नाम से ही पता चल रहा है ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो है वो दिगंबर कोई किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये कर्नाटक चले गए थे दिगंबर, और फिर वापस आए तो इनको अलग कर दिया गया, यानी कि आए थे अकाल के बाद बट इनको नहीं इसमें सम्मिलित किया गया।
चूँकि इसको मतलब इनको पवित्र पवित्र नहीं रहने के कारण इसको बता दिया कि आपकी जो है भंग हो चुकी होगी, जो जैन धर्म के नियम थे वो आपके पालन नहीं हो पाए होंगे बाहर गए हैं तो इस तरह से ये तो जैन धर्म बहुत कड़ा है। जैन धर्म जो है जैन धर्म को पालन करना बहुत कड़ा होता है, इसका कारण है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की यहाँ पे मान्यता है, ठीक है। ईश्वर को यहाँ पे नहीं माना जाता है, आत्मा को माना गया है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे, ठीक है। जैन धर्म अपने अध्यात्म विचार किससे सीखे थे, देखिए सांख्य दर्शन से यहाँ पे ग्रहण किए थे। सांख्य दर्शन इसमें से 25 दर्शन है, इसमें सांख्य दर्शन में आप सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन जो कि हिंदू फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, वहीं से सीखे हैं इन्होंने, ठीक है। जैन धर्म अपनाने वाले, तो जैन धर्म ये बहुत इसको याद कर लीजिएगा, उदयीन, बंदराज और चंद्रगुप्त जो थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त और मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य वो भी जैन धर्म से अपनाए थे। कलिंग का राजा खारवेल ने भी जैन धर्म को अपनाया। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ये इन्होंने, तो किसने, उदयन ने, बंदराजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कलिंग राजा खारवेल ने, चंदेल शासक ने और राष्ट्रकूट राजा अघोष वर्ष ने, इन सभी ने, चंदेल शासक ने भी इनको अपनाया था। अब आते हैं इनका मूर्तियाँ कहाँ कहाँ पे है बनी हुई। तो गोमतेश्वर की मूर्ति है जो वो जैन धर्म से रिलेटेड, गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म से रिलेटेड है। महावीर की तपस्या करते हुए इस तरह से ये मूर्ति बनाया गया है। 18 मीटर की ऊंची है, जिसे मैसूर के गंग शासक ने, मंत्री चामुंडा ने बनवाया था। और बात करते हैं खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का जैन धर्म का निर्माण किसने किया था, शासकों ने। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, कल्पसूत्र भद्रबाहु जो कि दिगंबर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये रहा, तो इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा, आपको याद। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की पर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी तथ्य हो सकते हैं तो उन चीज़ों को बात करते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, जिसे भगवान कहा जाता है, भगवान बुद्ध, ठीक है। तो चूँकि बौद्ध धर्म में आपको सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में ही जानकारी मिलेगी, इसमें भगवान या फिर संस्थापक गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक है। अब इसके जीवन से रिलेटेड तथ्य को हम लोग देखते हैं। तो जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु भी थी 483 में, 80 वर्ष की आयु में हुआ था, 483 ईसा पूर्व होगा यहाँ पे, ये भी ईसा पूर्व है, ध्यान में रखिएगा, ईसा पूर्व में चल रहा है। यानी कि ये जो कहानियाँ चल रही हैं वो लगभग अभी से 2500 साल पहले की बात है। पिता की बात करें तो सुदोधन इनके पिता थे, शाक्य गण के मुखिया थे, इसलिए इसे सांख्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। शाक्य मुनि शाक्य गण के मुखिया थे, तो इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम महादेवी थे। जन्म के 7वें दिन की मृत्यु हो गई थी और इसकी जो प्रजापति सौतेली माँ थी महामाया, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। बचपन का नाम की बात करें तो इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन में नाम इनका सिद्धार्थ था। और पत्नी यशोधरा थी, 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह भी हो गया था। और पिता बेटा एक था राहुल एक इनका पुत्र था,
इनका एक पुत्र था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। अच्छा, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता था? कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब ये इस तरह के वर्ड्स हैं, इनको देख लीजिएगा। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। निर्वाण धर्म चक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये तीनों तथ्य को अवश्य याद कर ले, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। अलार्क कलाम की बात करें तो अलार्क कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन, ये भी सांख्य दर्शन को थे, शून्य का सिद्धांत का, यानी कि शून्य का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। ये शून्य, शून्य के ज्ञान की प्राप्ति की। पैंतीस की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन, अच्छा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष, साल के वृक्ष पर जैन धर्म के जैन जो महावीर थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन रात में निरंजना नदी के तट पर। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। रुद्रक राजपूत के से योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, रुद्रक रामपूत, रामपूत से इन्होंने योग का भी ज्ञान प्राप्त किया। उपदेश की भाषा पाली थी, इनकी उपदेश की भाषा पाली थी। और जैन की बताइए, जैन की क्या थी? तो जैन धर्म की थी अर्धमग्धी। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा। सर्वाधिक उपदेश तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में। प्रमुख अनुयायी कौन थे प्रशासक इसमें? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, उदयन वहाँ पे भी थे, उदयन इनके भी यहाँ थे। ठीक है, तो उदयन दोनों धर्मों को मानते थे। चंदेल शासक बताइए। अच्छा, चंदेल शासक जो थे, चंदेल वो क्या के थे, किस धर्म को मानते थे? महावीर को। और एक है गुमतेश्वर की मूर्ति, किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड। ये रिवीजन। अच्छा, त्रिपिटक, आगे चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही चीज़ों को। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसकी भाषा थी पाली। ठीक है, थेर गाथा और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और बौद्ध भिक्षुणियों का, ये तो गीत है, एक तरह से सवाल आ सकता है थेर गाथा थेरी गाथा। थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया इसको भिक्षुक कहा जाता था। और एक होता है वर्ड उपासक। तो भिक्षुक जो होते हैं जिन्होंने सब कुछ गृह त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसको भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी अब वो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता था उपासक। बौद्ध में त्रिरत्न की बात करें, इसमें थे बुद्ध धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन में भी हैं और बुद्ध में भी हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, इसमें पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये आत्मा को ये भी मानते हैं। इनका सबसे बड़ा कथन है विश्व दुखों से भरा है, ये किसका कथन है? बुद्ध का। और ये भी किन्होंने से लिया है? उपनिषद से लिया गया है, इंडियन फिलोसफी। उपनिषद का अर्थ बताइए। उपनिषद का अर्थ पास बैठना। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना, गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना को ही उपनिषद कहा गया है। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की मानी जाती है। बौद्ध धर्म की मूर्ति किस क्षेत्र में है, किस शैली में? तो गांधार में, गांधार शैली में। चलिए अब संगत सभाएं देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसको VVI करके जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा एकदम। ये VVI इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बार बार प्रमुख रूप से आते रहते हैं। चलिए प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो 483। ठीक है,
प्रथम बौद्ध संगति 483 राजगृह में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष महाकश्यप। शासन काल किसके समय? तो अजात शत्रु के समय। प्रथम बौद्ध संगति की सभा किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय। स्थान राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सबाकामी। तो द्वितीय सबाकामी के समय। और शासन काल किसका था? तो कालाशोक। कालाशोक के समय इनका वो द्वितीय जो बौद्ध संगति थी उसका आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में मोगालीपुतिस, ठीक है, मोगालीपुत्र जो थे, मोगालीपुत्र इनके अध्यक्षता में हुई थी, और ये समय था अशोक का शासनकाल। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात किया है तो ये 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन वसुमित्र के अध्यक्षता में, कनिष्क के समय, ठीक है। इसको याद करने का कुछ ट्रिक है, एक थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसको। स्थान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ज़रूर फोकस कीजिएगा, और किसके शासन काल में हुआ था इस चीज़ को फोकस कीजिएगा, ये भी याद करिएगा। बट पहला है प्राथमिकता आपको देना है ये, दूसरी प्राथमिकता इसे, और तीसरी प्राथमिकता देनी है इस चीज़ को, ठीक है। समय को उतना भी प्राथमिकता नहीं भी दे तो फोर्थ में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको इसे जरूर से याद कर लेना है, याद पूरा कर लेना है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। राज हम ऐसे याद किए हैं, राज वैभव पाटलिपुत्र का रहस्य राजगृह, वैभव से वैशाली, और पाटलिपुत्र से कुंडलवन। इस तरह से हमने याद किया है, अभी याद कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आता है अध्यक्षता की, तो महाकश्यप याद कर लेना, पहला भी महाकश्यप, सबाकामी, मुगालीपुतिस, वसुमित्र, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड पूरा अध्ययन कर लिया, और हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसका MCQs का वीडियो नेक्स्ट डे आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।